हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रतन की जगह धारण कर सकते हैं पेड़ पौधों की जड़ें भी। आज के दौर में काफ़ी लोग ज्योतिष विद्या को भी एक विज्ञान की तरह ही मानते हैं। इस विद्या से भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी मिल सकती है, साथ ही जीवन को सुखी और समृद्धिशील बनाने के उपाय भी मालूम किए जा सकते हैं। कुंडली के 12 घरों में ग्रहों की अच्छी बुरी स्थिति के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो पाता। अशुभ फल देने वाले ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। ग्रहों से शुभ फल प्राप्त करने के लिए संबंधित ग्रह का रत्न पहनना भी एक उपाय है। असली रत्न काफ़ी मूल्यवान होते हैं, जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। इसी वजह से कई लोग रत्न पहनना तो चाहते हैं, लेकिन धन की कमी होने के कारण उन्हें धारण नहीं कर पाते। ज्योतिष के अनुसार रत्नों से प्राप्त होने वाला शुभ प्रभाव अलग अलग ग्रहों से संबंधित पेड़ों की जड़ों को धारण करने से भी प्राप्त किया जा सकता है। सभी ग्रहों का अलग अलग पेड़ों से सीधा संबंध होता है, इसलिए इन पेड़ों की जड़ों को धारण करने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं, धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। चंद्र ग्रह के लिए, चंद्र से शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोमवार को सफ़ेद वस्त्र में खिरनी की जड़ सफ़ेद धागे के साथ धारण करें। मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह को शुभ बनाने के लिए अत्यंत मूल या खेर की जड़ को लाल वस्त्र के साथ लाल धागे में डालकर मंगलवार को धारण करें। बुध ग्रह के लिए, बुधवार के दिन हरे वस्त्र के साथ विधारा की जड़ को हरे धागे में पहनने से बुध के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। सूर्य ग्रह के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो सूर्य के लिए माणिक रत्न बताया गया है। माणिक के विकल्प के रूप में बेलपत्र की जड़ लाल या गुलाबी धागे में रविवार को धारण करनी चाहिए। इसे सूर्य से शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए, गुरु ग्रह अशुभ हो तो केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे में गुरुवार को धारण करें। शुक्र ग्रह के लिए, गुलर की जड़ को सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर शुक्रवार को सफ़ेद धागे के साथ गले में धारण करने से शुक्र ग्रह से शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि ग्रह के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी पेड़ की जड़ को शनिवार के दिन नीले कपड़े में बांधकर नीले धागे में धारण करना चाहिए। राहु ग्रह के लिए, कुंडली में यदि राहु ग्रह अशुभ हो तो राहु को शुभ बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। केतु ग्रह के लिए, केतु से शुभ फल पाने के लिए अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में गुरुवार के दिन धारण करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में रत्न की जगह पेड़ों की जड़ को धारण कर आप किस प्रकार अपने नवग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।